नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में हमला बोला, एयर स्ट्राइक की। अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान के विमान भी भारतीय एयर स्पेस में घुसे हैं और उन्होंने बम गिराए हैं, ऐसा दावा पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। भारतीय मीडिया में भी ये चलने लगा है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं इधर। नौशेरा सेक्टर में पाक विमान ने की थी घुसपैठ, इस वक्त लिख के आ रहा है। अभी हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों या सरकार की तरफ से ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि ये हमला हुआ है या नहीं हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बड़गाम में एक मिग विमान क्रैश किया है और उसमें अभी टेक्निकल इश्यूज बताए जा रहे हैं, उसके गिरने के पीछे कारण जो बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान मीडिया ने यह भी दावा कर दिया है कि वो जो मिग विमान गिरा है वो पाकिस्तानी प्लेन ने गिराया है। अब मिग विमान कैसे गिरा, क्या गिरा, ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि अभी तक जो दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान विमान जो यहाँ पे एंटर किए थे उन्होंने ये मिग विमान गिराया है। हालांकि भारतीय मीडिया में जो चल रहा है या भारतीय सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तानी विमान भारतीय एयर स्पेस में आए थे मगर उनको भारतीय विमानों ने खदेड़ दिया। अब हकीकत क्या है वो तो कुछ देर बाद जब और चीज़ें निकल कर आएंगी तभी पता चल पाएंगे। मैंने देखा सर, ये जेट है सर। हाँ सर, क्या हो, कैसे, कितने बजे? अभी लगभग 10-20 मिनट हुआ था सर। हेलीकॉप्टर था या जेट फ्लाइट था? जेट फ्लाइट सर। कंफर्म? हाँ सर। कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ बोले। हाँ सर, हाँ सर, आग लगी, बहुत आग, बहुत आग लगी सर। हाँ सर, गैरियन बड़गाम सर। बड़गाम है? हाँ सर। कंफर्म है जेट है ये? हाँ सर, हाँ सर। इसमें तीन आदमी सर, पायलट तीन है सर। अच्छा, हाँ वो भी जल गए सर। कोई धमाका वमाका? हाँ हाँ सर, दो धमाका हुआ था सर, दो धमाका सर हुआ। हमारे साथ निखिल है, वो हमें बताएंगे कि इसकी थोड़ी डिटेल्स। निखिल, मिग विमान जो गिरा है आपको क्या लगता है इसमें क्या पाकिस्तान का रोल हो सकता है जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है? ये अभी दोनों तरफ से बहुत जल्दी हो जाएगा कहना यदि हम ये कहते हैं कि मिग विमान उनके हमले में नहीं गिरा या वो कह दें कि मिग विमान उनके हमले में ही गिरा है। ये दोनों चीज़ें कहना मुश्किल है, कारण बताते हैं। दोनों घटनाओं के जगहों में फ़र्क ज़रूर है। जो मिग का क्रैश हुआ है वो बड़गाम में हुआ है और जो मीडिया के हवाले से जो खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जेट्स आए थे वो नौशेरा के पास से आए थे, ये दोनों जगह कुछ दूर हो सकती है मैप में। लेकिन हवाई जहाज़ स्पेशली एयरफोर्स के जेट जिस स्पीड पर उड़ते हैं उस स्पीड पर कोई भी इंसिडेंट होने के बाद क्रैश साइट बहुत दूर हो सकती है और जहाँ पे इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे हमला हुआ है फाइटर जेट के ऊपर, उन दो जगहों में बहुत फ़र्क हो सकता है क्योंकि स्पीड और जो ट्रेजेक्ट्री है उसके हिसाब से मलबा बहुत दूर जाके गिरता है। तो ये बहुत जल्दी है अगर पाकिस्तान मीडिया ऐसा कहे कि जो मिग क्रैश हुआ है वो उनके हमले में क्रैश हुआ है, या हम ये कहें कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि चूंकि इंडियन एयरफोर्स का मिग क्रैश हुआ ही है, हमारे ही तरफ गिरा है, तो एयरफोर्स अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बयान जरूर देगी। पायलट के शहीद होने की खबर भी खबर है, तो इसलिए एयरफोर्स अपनी तरफ से जो एक स्टैंडर्ड बयान या MOD अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड बयान तो जारी करेगी कि इस घटना के कारण उनके हिसाब से क्या है, उसका इंतजार करना चाहिए। और पाकिस्तान में भी क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स या वहां से कोई जिम्मेदार इसे क्लेम करता है? जैसे कल की जो एयर स्ट्राइक्स थी, हमारे तरफ से विदेश सचिव खुद आए, उन्होंने भारत सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान रखा, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल हमने नहीं देखा है। ये पाकिस्तानी मीडिया में जो चीजें फ्लोट हो रही थी उसकी बातें हैं। बिल्कुल, मिग विमानों को भी अपना एक इतिहास रहा है लगातार, आप अभी बात कर रहे थे कि लगातार कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बावजूद हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? दरअसल मिग एक विमान ना होकर के एक फैमिली है विमानों की, तो मिग 21 है और मिग 27 है, मिग 29K है, तो अलग अलग विमान हैं और अलग अलग इनकी ड्यूटीज़ हैं। तो जो मिग 21 है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी एक पुराना वर्जन है और जब इंडक किया गया था एयरफोर्स में तब अपनी खूबियों को देखते हुए किया गया था, लेकिन क्योंकि समय के साथ वो आप ऐसा कह सकते हैं कि मशीन भी बूढ़ी होती है, वैसा उस विमान के साथ भी हुआ है और एयरफोर्स लंबे समय से इस कोशिश में है कि नए विमान लिए जाएं और इन विमानों को धीरे धीरे रिटायर किया जाए। और लगभग जो मिग फैमिली के जो पुराने विमान हैं लगातार आप समझ लीजिए कुछ कुछ महीनों के अंतराल पर एयरफोर्स रिटायर कर रही है, लेकिन चूंकि हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी कम है इसीलिए जब नए विमान कुछ आ जाते हैं एयरफोर्स के पास तभी एयरफोर्स पुराने विमान रिटायर करती है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ कम नहीं रखना चाहती है। एयरफोर्स का वैसे दावा रहता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो विमान पुराने हैं, एयरफोर्स और DRDO और सरकारी एजेंसी अपनी तरफ से ये कहती हैं कि मिग ज़रूर पुराना है लेकिन उसके मेंटेनेंस पर वो काफ़ी ध्यान देते हैं। तो
ये उनका वर्जन है, ये उनका कारण है कि मिग क्यों उड़ते रहे। लेकिन अगर आप एक हिस्ट्री देखें स्पेशली मिग 21 की, तो उसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया है। अच्छा। लोगों ने अपने अपने हादसे हुए उसको देखते हुए, हादसों को देखते हुए कहा गया है कि मिग एक फ्लाइंग कॉफिन की तरह है, कि वो इतना पुराना जेट है कि उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो गिर जाता है। ये मिग विमान जो था उसके एकदम स्पेसिफिकेशंस क्या थे ये अभी हम नहीं जानते हैं, डिटेल्स अभी नहीं मालूम है। कब इसका मेंटेनेंस हुआ था, कब इसका अपग्रेड हुआ था, अपग्रेड हुआ था कहाँ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, कितने समय से ये उड़ रहा था, ये इन सारी चीजों का फर्क। अभी ये भी कंफर्म नहीं कि टेस्टिंग फ्लाइट थी क्या था, ये भी नहीं मुझे मतलब मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता है सारी चीजें, इसलिए हमको थोड़ा इंतजार ही कर लेना बेहतर रहेगा। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि नौशेरा सेक्टर में पाक विमान घुसे थे, भारतीय विमान ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया है। इसके साथ ही जितने भी एयरपोर्ट्स हैं श्रीनगर के आसपास वो सभी लेह जम्मू श्रीनगर क्या लिखा है बताइए जी, लेह जम्मू श्रीनगर पठानकोट के एयरपोर्ट जो है वो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। यहाँ की जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स थी मतलब जो यात्री विमान यहाँ उड़ रहे हैं उन सबको अभी होल्ड पर रखा गया है और वहाँ सब सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ उन सारे एयरपोर्ट्स में अभी लैंडिंग और टेक ऑफ जो भी कमर्शियल फ्लाइट जो यात्री विमान है उनका भी रोक दिया गया है, रनवे भी खाली करा दिए गए और साथ ही सभी यात्री विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तो अब तक के अपडेट्स हमारे पास आए हमने आपको बताए, आगे भी जो अपडेट्स आएंगे ये पाकिस्तानी विमान जो यहाँ पे घुसे हैं उसको लेकर हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ, शुक्रिया।